हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेके हम आए हैं आपके सामने, ऑटो लेवल से बिल्डिंग की ऊंचाई कैसे निकालें। ठीक है, अगर ऑटो लेवल मशीन से आपको नहीं आता है कैसे निकालें हाइट, तो हम इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है, एकदम कोई भी मतलब ऑटो लेवल कभी नहीं चलाया फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद उसे चलाने आ जाएगा, किसी भी लेवल की हाइट निकालने आ जाएगा, लेवल कैसे ट्रांसफ़र करना है सब कुछ इस वीडियो में देखने के बाद आपको आ जाएगा। लेकिन मेन टॉपिक इस वीडियो में क्या है, किसी भी बिल्डिंग की हाइट फ्लोर से केस कैसे निकालें वो हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो आपको कहीं भी एक आपको आठ लेवल अपना सेट कर लेना है। जैसे कि हमने ये सेट कर लिया, एग्जांपल तौर पर ये बनाया है, और कमेंट ये नहीं करिएगा कि आपको लेवल कम हो, ऊपर है, नीचे है, सेट है कि नहीं है, कुछ सेट नहीं है। ठीक है, मानिए सेट नहीं है, लेकिन आप सेट करके लगाएंगे आठ लेवल। ठीक है, और यहाँ पे कोई होगा लेवलिंग करने के लिए, हमने अपना लगा रखा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम जैसे ये कॉलम है, ये शेयर वॉल है, यहाँ कॉलम है, सब पे कोई एक अपना बैक साइड लेंगे। ठीक है, और ये जो फर्श है इसको थोड़ा सा डार्क करके दिखाते हैं आपको। जो ये फर्श है ये, इसको हम आरएल 00 मान लेंगे। ठीक है, इसको लेवल 00 मान लेंगे, ये आरएल है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए आपको बैक साइड चाहिए। ठीक, इसको आप डिलीट करते हैं। अब क्या करना है, देखिए जब यहाँ से आप देखेंगे स्टाफ रीडिंग में, ठीक है, तो जैसे कि ये स्टाफ रीडिंग है, यहाँ पे आपने देखा तो 1.2 आया। ठीक है, यहाँ पे जो बैक साइड आया 1.2 आया, दूसरे जगह जब हमने देखा तो यहाँ भी हमको 1.2 ही देखना है, क्योंकि इसे जीरो मान लिया। बस अंतर ये होगा, स्टाफ यहाँ पे फर्श पे लगा के हमने देखा था, यहाँ पे उठाना थोड़ा पड़ सकता है या फिर थोड़ा डाउन करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो फर्श लेवल है डाउन भी हो सकता है, अब भी हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर भी टाइल्स वगैरह नहीं लगा है, तो ये थोड़ा बड़ा अंतर हो सकता है 10-15 mm। अप डाउन करके हमको 1.2 जैसी रीडिंग दिखेगी वहाँ पे मार्क कर लेना है। इसी तरह से एक जगह और कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ भी हमने 1.2 देख लिया, हो गया ये मार्किंग। ठीक है, हमारा बैक साइड आ गया। अब इसको HI निकालने के लिए, मतलब इस ऑटो लेवल की जो हाइट है उसको निकालने के लिए बैक साइड प्लस RL करेंगे, तो 1.2 प्लस 00 आई में माना है तो 1.2 ही रहेगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमको तो पता चल गई। अब इसके ऊपर जो ये गैप बच रहा है स्लैब के बॉटम से लेके यहाँ तक, इसकी हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये स्टाफ जो है इसको इस तरह से उल्टा कर लेना होगा, उल्टा। ठीक है, चलिए वो भी दिखाते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं, हमने ये रीडिंग देखी उल्टा करके, ये स्टाफ को देखिए उल्टा कर दिया गया, कुछ रीडिंग यहाँ पर आई ये। ठीक है, ये रीडिंग आ गई, ये यहाँ पे उल्टा करने के बाद अब ये रीडिंग कितनी आई वो देख लीजिए आप, वो आई 1.85। ठीक है, तो पहली रीडिंग जो आई थी 1.2 आई थी, ये रीडिंग इन्वर्स करके हमने देखा तो 1.85 आई। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा वो देख लेते हैं। कैलकुलेटर ओपन करके 1.85 प्लस 1.2 यानी 3.05 हमारा जो है इस फ्लोर से लेके स्लैब के बॉटम तक की हाइट हुई। तो इस तरह से हम स्लैब की हाइट निकालते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार वीडियो लेके। ठीक है।